लतिका कुमारी भारत की इंडियन टीम की जो मेंबर है वो हमारे साथ है। लतिका स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है ऑन पेपर्स इंडियन टीम, और जैसा कि हमने मेंस में भी देखा था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ऑन पेपर्स, लेकिन आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस को साइड रखकर और जो कंटिन्यूटी चली आ रही है वही गेम प्लान होना चाहिए? जिस तरह की प्रिपरेशन इस साल वुमेन्स टीम ने की है अपनी डोमेस्टिक लेवल पे भी, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को तैयार किया है और जिस तरह से भारत जो है बाहर इस बार ज़्यादा मैचेस खेला है, तो उसका एक्सपीरियंस साफ साफ दिखाई दे रहा है इस वर्ल्ड कप में। जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया देगा, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में इंडिया जो है नंबर 7 पे रहा है, टोटल जो टीम्स हैं वो 8 हैं। तो जिस तरह से सबको ये लग रहा था कि इंडिया क्या करेगा, किस तरह से अपने आप को उभारेगा इस वर्ल्ड कप में, किस तरह से अपने आप को दिखाएगा, तो अभी तक का जो कंपटीशन रहा है वर्ल्ड कप में उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, कॉम्पैक्ट तरीके से, जिस तरह से ओपनर्स ने और बॉलर्स ने मिलजुल के एक टीम को सपोर्ट किया है और जो विनिंग उनके कब्जे में आई है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि पाकिस्तान अभी तक एक्सपीरियंस वाइज भी और हर तरीके से थोड़ा सा, लेकिन इस बार भी उनको कम आंकना गलती होगी, जैसे हमने पिछली बार कम आंक लिया था, वैसे मिताली राज के टशन को कम आंकना वो भी गलती होगी, क्योंकि पिछली बार जब उनसे पूछा गया था कि आपका फेवरेट मेल प्लेयर कौन है, तो उन्होंने कहा था आप पूछते हैं क्या कि फीमेल प्लेयर कौन सी। यस बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य होगा हमारे देश में, जिस तरह से वुमेन्स क्रिकेट एक के बाद एक अचीवमेंट्स कर रही हैं और जिस तरह से भारतीय महिला खिलाड़ी का फैन फॉलोइंग क्लब बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि उनको भी उतना ही दर्जा दिया जाए जिस तरह से मेंस क्रिकेट को दिया जाता है।